यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और वर्चुअल वाले जो भी क्लास देख रहे हैं जिस टाइम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। यस, वॉइस इज क्लियर। ठीक है, तो हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डन हो चुका है, मैंने सामने नोट भी करा था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपके जो 10 ईयर है शिवदास, इसमें से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आज। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बाकी आपको अभी फिलहाल मैंने क्वेश्चन तो लिख ही दिया, बाकी आप ले लोगे तो सारी चीजें, क्योंकि 10 ईयर होना इसलिए जरूरी है, मैं तो सॉल्यूशन करा रहा हूं, आपको समझ में भी आ गया। लेकिन एक होता है ना कि आप खुद भी क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस करोगे, तो उसके लिए जरूरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं साथ में लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। और इसको मिटा देते हैं। इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं लिख दूं एक बार क्वेश्चन बोर्ड पे। क्वेश्चन में कहता है, रॉ मटेरियल हमारा 100 रुपए का है, सेल 1,20,000 यूनिट नेक्स्ट ईयर। तो जो यूनिट दे रखे हैं ना आपको, वो दे रखा है 1,20,000 एक साल का। रॉ मटेरियल का खर्चा बोलता है ये, कि रॉ मटेरियल की कीमत आपका 3 है क्वेश्चन नंबर जो आएगा, और ये इनफैक्ट 2013 एग्जाम में भी आया हुआ है। वो है आपका 100 का, वो है 100 का। ओवरहेड की बात करें तो ओवरहेड है हमारे पास 25, इसमें 5 रुपीज का डेप्रिसिएशन है। सेलिंग प्राइस SP, सेलिंग प्राइस 200। द ड्यूरेशन ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल इज एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलो। टाइम दे रखा है आपको, कहता है रॉ मटेरियल आपको अपने पास रखना है 2 महीने के लिए, 2 मंथ के लिए, WIP 1 मंथ के लिए, WIP 1 मंथ के लिए, फिनिश गुड्स यानी FG, FG 1.5 मंथ के लिए, डेटर 1 मंथ के लिए। पहले क्वेश्चन को ठीक कर लेना जो मैंने सबसे पहले करवाया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर डेटर लेना भूल गया था, मेरे माइंड से स्किप हो गया, उसे ठीक कर लेना। कहता है एस्टिमेटेड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिजायर कैश बैलेंस 5% ऑफ द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ऑफ द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कहता है जी हमारे पास कैश होना चाहिए 5%, और पता है किसका? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का। ओके जी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं कहूंगा इसको, जो इन्होंने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कहा है कि 5% होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है सर, सॉल्यूशन करते हैं। हर किसी को विजुअल है? विनोद का कहना है, मैंने यूट्यूब का लिंक भी दे दिया। विनोद विनोद का कहना है वीडियो इज स्टक तो नाउ दिस क्लियर। टोटल ए। अब सबसे पहले देखिए, सारा डेटा मंथ में है। अगर सारा डेटा मंथ में है तो आपका एनुअल यूनिट जो था वो था 1,20,000,
तो मंथली अगर हम निकाल लें तो डिवाइडेड बाय 12, तो एक महीने का जो खर्चा यूनिट में, यानी हर महीने हमें जो यूनिट चाहिए होगा वो कितने चाहिए होगा हर मंथ में यूनिट? 10,000। क्लियर है ना? 10,000 यूनिट। तो कैसे निकालेंगे बताइए फटाफट। 10,000 मल्टीप्लाई कितने टाइम के लिए? 2 महीने के लिए। रॉ मटेरियल दिख रहा है ना आपको? 2 महीने। मल्टीप्लाई रेट क्या है? 100। हम लास्ट में टोटलिंग कर लेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन में मजे की बात है कि यहां लेबर नहीं दे रखा क्वेश्चन में। मैंने वेजेस नहीं लिखा है। वेजेस यहाँ पे 30 रुपीज का, मेरे से मिस्टेक हो गया। यहाँ वेजेस 30 रुपीज का है और मैं कह रहा हूँ मजे की बात की नहीं दे रखा। अरे है भाई है। वेजेस सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, वर्किंग स्टेज भी दे रखा है, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन क्लियरली। ओके ठीक है। अब देखा जाए तो WIP में बताया नहीं कंप्लीशन स्टेज, तो इसका 50 और इसका 50 लेंगे। तो 10,000 तो यूनिट है, और WIP के लिए 1 मंथ यानी मल्टीप्लाई 1, रॉ मटेरियल के लिए 100, लेबर का देखते हैं। 10,000 तो यूनिट है, 1 महीना, और लेबर कहता है 30 रुपये यानी वेजेस है हमारा। यहाँ वेजेस भी लिख सकते हो और लेबर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सच। 10,000, और मैं कहूंगा जो एग्जाम में गिवन है वही लिखना। अब बताइए ये 25 है, 5 रुपये का डेप्रिसिएशन है, तो हमें यहाँ कितना लेना चाहिए? 20 लेना चाहिए या 25? 20 लेना चाहिए या 25 बताइए फटाफट। कुछ बच्चों का, वर्चुअल वाले बच्चों आप भी बताओ, आप तो देख रहे हो, बताओ 20 लेंगे 25? पूरी वीडियो देख के आए हो नालायको। और ओहो बिल्कुल सही जवाब, वर्चुअल वाले बच्चों ने भी बता दिया सर 20। वेरी वेरी गुड, 20। यही तो मेन ट्रिक है कि जब क्लास आप ले लेते हो ना एक बार सारी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका हम 50% करने वाले हैं, और इसका भी 50% एवरेज। तो यहाँ पे आएगा हमारा 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख। यहाँ पे क्या आएगा देख लेते हैं। दस लाख और चलिए 10,000 इंटू में 30, 3 लाख, 1.5 लाख, 22 लाख यानी 1 लाख। तो ये आ जाएगा हमारा 10 लाख प्लस 11, 12,50,000, 12,50,000 WIP। इसका भी लिख ही देते हैं, 10,000 इंटू में 2 इंटू में 100, 20 लाख रुपए, 20 लाख। FG भी 10,000 यूनिट, यस सर। कितने टाइम के लिए FG? 1.5 मंथ, तो 0.5 मल्टीप्लाई। अब बताइए FG के लिए क्या लेंगे हम? FG के लिए जो कॉस्टिंग ली जाएगी ना वो क्या ली जाएगी? 100 रुपये प्लस वेजेस, वेजेस 30 रुपीज प्लस ओवरहेड 20 रुपीज, 25 था 20, तो 150, 150। तो 10,000 इंटू में 0.5 इंटू में 150, 7.5 लाख, 7.5 लाख। डेटर की बात करते हैं, डेटर भी 10,000 मल्टीप्लाई बाय, डेटर के लिए कितना टाइम? 1 महीने का, 1 इंटू में 150। तो FG का जो रेट होता है ना वही लिया जाता है हमेशा। तो 10,000 इंटू में 150, 15 लाख रुपए, 15 लाख, 10 और ओके। कैश की बात क्वेश्चन में कुछ अजीबो तरीके से बताया है। अब यहां पे देखा जाए ना तो क्रेडिटर के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखिए तो क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो जब क्रेडिटर के बारे में नहीं बोला तो करंट लाइबिलिटी का हमारा कोई पोर्शन होने वाला नहीं है। क्वेश्चन ने कहा बताइए कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। अभी बता देते हैं जी वर्किंग कैपिटल। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, लेकिन यहाँ पे कैश तो आना चाहिए, कैश तो आना चाहिए। मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ आपके सामने, कैश आना चाहिए दोबारा। कहता है ठीक है
रॉ मटेरियल का टाइम 2 मंथ है, रॉ मटेरियल का 2 मंथ ही लिया मैंने। आयशा आपका क्या डाउट है, आप बताइए एक बार। रॉ मटेरियल का 2 मंथ कह रहे हैं, हाँ तो 2 मंथ है तो 1 महीने में हमारे 10,000 यूनिट है मल्टीप्लाई 2, और ये हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, डिजायर कैश बैलेंस 5% ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जितना भी हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा उसका हमारा लगेगा कितने परसेंट, उसका लगेगा हमारा 10 ईयर स्टूडेंट, जिन बच्चों के पास 10 ईयर है उसके अंदर थोड़ा सा क्लेरिकल एरर है। अब यहाँ पे जो भी एरर है मैं उसको रेक्टिफाई करके यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखोगे जब इसके सॉल्यूशन को, तो WIP इन्होंने सीधा हर किसी को 50% कर दिया है, लाइक आपका रॉ मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग, बट ईच एंड एवरीथिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ मटेरियल होना चाहिए। हमारे सॉल्यूशन को देखिएगा, मैं उसको रेक्टिफाई करवा दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है जो भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, पता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हमारा करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स इज इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स इज इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अच्छा सर, हाँ सर, और करंट एसेट्स तो अधूरा है। करंट एसेट्स कैसे आएगा, जब तक यहां पे मैं कैश नहीं लिखूंगा तब तक हमारा करंट एसेट्स नहीं आएगा। और ये कहता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का 5% होगा, 5% होगा, 5 ही है ना, यस 5। तो मेरा कहने का मतलब है अगर मैं इन सब का टोटल कर लूं, 20 लाख, 12,50,000, 7,50,000, 15 लाख, टोटल 55 लाख रुपए हैं, टोटल 55 लाख रुपए हैं। इन सब का टोटल कर लिया तो आप बताइए क्या सारे करंट एसेट्स हैं ये, या अभी कैश बच गया है जोड़ना, मुझे जवाब दीजिए क्या सारे करंट एसेट्स हैं। रिपीट कर दो सर। सर मैसेज नहीं आया, लाइव शुरू होगा कि सेजल, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, जस्ट एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है और इसके साइड में मैंने क्या करा है उसका वर्किंग नोट कर रखा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट करंट लेना भी नहीं है। तो आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये गिवन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन गिवन है सारा आपके सामने, कोई चिंता वाली बात नहीं है सिजल, सिंपल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारा जो 55 लाख रुपए है ये इन सब का जोड़ है, क्या ये करंट एसेट्स है, क्या ये टोटल करंट एसेट्स है या नहीं, मुझे जवाब चाहिए। क्या ये जो मैंने लिखा है ये टोटल करंट एसेट्स है या नहीं है, या कुछ मिसिंग है। जवाब आ गया, नहीं है, कैश आए, कैश बच गया, एग्जैक्टली यहां कैश बच गया। तो मैं इसे करंट एसेट्स 100% नहीं कह सकता, अभी इसके अंदर कैश माइनस है, यानी जो भी 55 लाख रुपए है इसमें से अभी भी कैश माइनस है, कैश माइनस है। मैंने अलग से लिख लिया जी 55 लाख रुपए, और बोलो, अलग से लिख लिया, ठीक है, इसमें कैश अभी जुड़ा नहीं है। अगर इसमें मैं कैश प्लस कर दूं, आप बताइए, अगर मैं इसमें कैश प्लस कर दूं तो क्या 100% करंट एसेट्स हो जाएगा, या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 100%, बताइए। अगर मैं इसमें कैश प्लस कर दूं तो क्या 100% ये वर्किंग कैपिटल हो जाएगा ग्रॉस वाला, या नहीं होगा, जवाब दें हाँ या ना, जवाब दें हाँ या ना, फटाफट जवाब दें। नहीं आया बच्चों को समझ, नहीं आया, चलिए दोबारा बताते हैं, मैं दोबारा बताना चाहता हूं। मैं क्या बोलना चाहता हूं ध्यान से देखिए, हमारा जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स को ही बोलते हैं, क्लियर। ये हमारा जो भी होगा, मान लेता हूं मैंने कहा कि ये 100% यही है जी, जो है यही है, तो क्या मैं इसके 55 लाख रुपए जो है वो 100% है वर्किंग कैपिटल, या इसमें कुछ कमी है, मुझे जवाब दे बच्चों, क्या
क्या 55 लाख रुपए जो वर्किंग कैपिटल है 100% के बराबर या कुछ कमी है? जवाब दें, बस मुझे ये बताएं कि 100% है या कुछ कमी है, फटाफट से बताएं, जल्दी बताएं। वर्चुअल वाले बच्चों दिमाग लगाओ। नहीं आया समझ में? जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा बिल्कुल भी। आप बताइए कि ये 100% है या कुछ कमी है, और अगर 100% है तो क्या कमी है इसमें, बताइए जल्दी। जवाब आया नहीं है। अब मुझे बताना, अगर मैं इसके अंदर कैश का बैलेंस ऐड कर दूं तो क्या ये 100% होगा या नहीं होगा, जवाब दीजिए। अगर मैं कैश का बैलेंस जोड़ दूं तो हो जाएगा 100% या फिर भी कुछ कमी रह जाएगा? जवाब आ गया, हो जाएगा, होगा बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो 55 लाख 55 लाख है, इसके अंदर 5% की कमी है। तो कहने का मतलब क्या है सर? इसका मतलब वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। वर्किंग नोट देखिए, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर वन। और यहां पे वर्किंग नोट नंबर वन सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए, यानी जो 55 लाख दे रखा है ये 100% के बराबर नहीं है। तो बराबर किसके हैं? 95 के। बराबर किसके? 95 के। और मुझे कैश का बैलेंस जानना है, और कैश कितने परसेंट के बराबर है? 5% के बराबर है। तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 55 लाख डिवाइडेड बाय 95 इंटू में 5, जो कि आता है मेरा 28,94, 28,94, 94, 28,94, 73, जो आता है 28,94, 73। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं। 55 लाख 95 इंटू में 100, अगर हम इसमें 55 लाख में अगर 28,94, 73 निकाल प्लस कर दे तो अब आ गया 57, 57, 89473। आपने देखिए ये क्या कहता था कि कैश आप 5% निकाल ले, कैश का बैलेंस हम नहीं बताएंगे, कैश का जो बैलेंस है कहीं कंटिजेंसी तो नहीं लिखा। कहता है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, डिजायर कैश बैलेंस 5% ऑफ द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जितना ग्रॉस वर्किंग कैपिटल चाहिए हमें उसका 5% होगा। तो 5%, अब एक बार इसका 5% निकाल के देखिए, मेरा ग्रॉस वर्क, क्या मैं इसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल लिख सकता हूँ? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, हाँ के नहीं? यस सर, लिख सकते हैं। इसका 5% ये होना चाहिए, चेक करिए, 5%। ओ माय गॉड, एग्जैक्टली सेम, यानी हम कामयाब हुए, हमारा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। किसी का डाउट है तो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, फिर एक और क्वेश्चन हम करेंगे यहां पे, इसको जल्दी जल्दी नोट करिए। एक और क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट करिए। सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था? यस, ये 2013 में आया हुआ है एग्जाम में। एकदम फटाफट से नोट करिए। डन।
एफजी का प्राइस 150 कैसे? ये देखो, मैंने एफजी का प्राइस 100, 30 और 20, 150 इस तरीके से आया। और बताइए, किसी का कोई डाउट? फिर अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेजल क्लियर है? आयशा, आपको क्लियर है यहां तक? फिर अगले क्वेश्चन पे चले। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज ये चैप्टर अपना दम तोड़ देगा, ये चैप्टर अपना दम तोड़ने वाला है आज। मैं पहले ही कह रहा था, बड़ा ही आसान चैप्टर है, आप करोगे तो बड़े ही सिंपल तरीके से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, सेल्स है 69,000 यूनिट, फिनिश गुड्स जो एफजी होगा हमारे पास, फिनिश गुड्स वो 3 मंथ, रॉ मटेरियल 2 मंथ, रॉ मटेरियल 2 मंथ, प्रोडक्शन प्रोसेस 1 मंथ, WIP, प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब WIP 1 मंथ, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, भाई क्रेडिटर ने कितना टाइम दिया? क्रेडिटर ने दिए 2 मंथ, 2 मंथ। सेलिंग प्राइस 50, SP, सेलिंग प्राइस 50, रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो है हमारा 50% ऑफ SP, मतलब 25, SP का 50%। डायरेक्ट वेजिस है यानी लेबर 10% ऑफ SP, इसका मतलब 5 रुपए। ओवरहेड है 20% ऑफ SP। कोई बच्चा बताए ओवरहेड कितना होगा? मैंने आपके ऊपर रखा है ये, कोई बताए ओवरहेड होगा कितना? दस, वेरी गुड। आगे कहता है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन पूरा ही पढ़ रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन में आगे कहता है, 20% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस एंड क्रेडिट अलाउड टू इट्स कस्टमर फॉर 1 मंथ, यानी डेटर हम जो उधार देंगे किसी को वो देंगे 1 मंथ। कुछ बच्चों का कहना होता है, सर WIP में 1 मंथ क्यों लिया? तो भाई WIP में 1 महीने दे रखे हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई 1। वैसे करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैंने कर दिया है ताकि आपको डिटेलिंग पता चले। ओवरहेड इंक्लूड 5 एज डेप्रिसिएशन, कहता है जो ओवरहेड है ना ये वाला, इसके अंदर 5 रुपए तो डैप के पैसे हैं, डैप के रुपए हैं। ओके, देयर इज अ रेगुलर प्रोडक्शन एंड द सेल साइकिल, वेजेस एंड ओवरहेड एक्रूड इवनली, वेजेस आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ एंड ओवरहेड पेड 15 डेज। कहने का मतलब है, भैया मैं वेजेस का पैसा दो दूंगा वो 1 महीने बाद दूंगा, और जो ओवरहेड का पैसा दूंगा वो 15 डेज के बाद दूंगा। 15 डेज यानी 0.5 मंथ। ठीक है, मटीरियल इज इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल, सिंपल सी बात है। यू आर रिक्वायर्ड फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, यानी कैश बेसिस पे करना है, और वैसे भी हम कैश कॉस्ट बेसिस पे ही हमेशा करते हैं। तो एग्जामिनर ने ये जो दो वर्ड बोला ना, कैश कॉस्ट बेसिस, ये बच्चे कंफ्यूज होकर, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया होगा। सर क्या ये भी एग्जाम में आया है? बिल्कुल, ये 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये सेमेस्टर में आया था, 2013 के नवंबर मंथ में, सेमेस्टर में।
ठीक है सर, सेमेस्टर में आया था तो यहां क्या क्यों करा रहे हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको तो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अगर आप पढ़ रहे हैं यहां पे तो आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं है। जॉब करते करते आप पूरे नंबर लेके आएंगे, और जिन बच्चों के नंबर आएंगे मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही, आप उस पे मुझे मैसेज जरूर करना अपने मार्कशीट, और बताना सर कितने नंबर आए आपके। मैं इनफेक्ट थ्योरी भी करवाऊंगा पूरा, आपको समझाऊंगा इनफेक्ट थ्योरी डेटर। ओके, पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो कैश का बैलेंस कहीं भी नहीं बताया क्वेश्चन में, कैश बताया ही नहीं कि कैश का बैलेंस है कितना, तो कैश हटा ही देते हैं। ये आ गया टोटल, टोटल करंट एसेट्स सीए लिख दिया। इसके बाद लिखते हैं करंट लाइबिलिटी बी पार्ट, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है सर, जो जो आएगा लिख देंगे। सबसे पहले देखो आपका सारा का सारा मंथ में है, तो ईयर में आपका जो यूनिट यूज हो रहा है 69, और सब कुछ मुझे मंथली निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा 69,000 डिवाइडेड बाय 12। बताइए क्या आया, 69,000 डिवाइडेड बाय 12, इसका मतलब 5750। सारा इंफॉर्मेशन 5750 से रहेगा। सर रॉ मटेरियल 57, हमें एक महीने में 50 चाहिए। रॉ मटेरियल का टाइम कितने, 2 मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 2। कीमत कितनी है रॉ मटेरियल के, सर 25 रुपए है रॉ मटेरियल की कीमत, ये देखो 25 रुपए है, तो इंटू में 25 बाद में कर लेंगे। फिर से यहाँ WIP का कुछ नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, 5750, 5750 मल्टीप्लाई बाय WIP के लिए 1 मंथ, इसलिए 1 लिख दिया, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनटू में 25। लेबर का यानी वेजेस जो है वो फिर से 5750 मल्टीप्लाई बाय 1 इनटू में। लेबर का देखा जाए तो लेबर का हमारा कितना है, वेजेस वेजेस वेजेस, कितने रुपए का वेजेस भाई, वेजेस ये रहा 5 रुपए, और इसका भी 50%, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। 5750 मल्टीप्लाई बाय 1 इनटू में 10 रुपए ओवरहेड था, 5 रुपए इसमें डेप्रिसिएशन है, तो कैश बेसिस पे क्या लेंगे, 5 रुपए, इसका भी 50%। एफजी में कौन बच्चा बताएगा, एफजी का रेट कैसे निकाले, कितने महीने के लिए एफजी है, 3 महीने के लिए, कौन बच्चा रेट निकालेगा एफजी का? सर एफजी का रेट वेरी सिंपल, रॉ मटेरियल भी लगेगा, वेजेस भी लगेगा, और ओवरहेड भी लगेगा। सर रॉ मटेरियल 25 का लगा, वेजेस 5 का लगा, और ओवरहेड भी 5 का ही लगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन था, तो टोटल 25, 10, 35 रुपए। कैसे कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 35 रुपए। ठीक है, डेटर की बात करें तो डेटर अलाउड कितने हैं हमारे, डेटर को मैंने दिए 1 मंथ, तो 5750 इंटू में 1 इंटू में 35। डेटर भी कॉस्ट बेसिस पे होता है, सेलिंग प्राइस का कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन में, अगर दे भी रखा है देखो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मैंने समझाया था, उसकी जरूरत थोड़ी है प्रॉफिट की, हमें तो खर्चे का इंतजाम करना पड़ेगा। ओके सर, अब रॉ मटेरियल यहां भी है क्या, बिल्कुल है ना, कहता है क्रेडिटर, और क्रेडिटर कहां गया, कहां गया, 2 महीने के लिए क्रेडिटर मुझे उधार देता है, तो 5750 मल्टीप्लाई बाय 2 इनटू में 25। सर क्या वेजेस भी है, यस वेजेस भी है, 5750 मल्टीप्लाई बाय कितने दिन के लिए वेजेस है भाई, 1 महीने के लिए, मल्टीप्लाई 1, वेजेस का रेट 5 रुपए। क्या सर ओवरहेड भी है, बिल्कुल है, 5750 मल्टीप्लाई, सर ओवरहेड तो आधे महीने का, तो कोई बात नहीं बच्चे 0.5 करिए, और 5 रुपए का ओवरहेड है। बस ये कैलकुलेशन करेंगे करंट एसेट्स, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल करंट लाइबिलिटी, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्किंग
पहले हम यहां तक निकाल लें, ठीक है? फटाफट से टोटलिंग 5750 इंटू में 2 इंटू में 25, 287500, 5750 इंटू में 25, 143, 43, 750, 5750 इंटू में 5, कट 50%, 14375। ठीक है, ये भी सेम आएगा, 14375। टोटल कर देते हैं, 14375 प्लस 375 प्लस ये आ गया हमारा 172500। किसी को डाउट है तो पूछिए। ओके, सब बच्चों ने तो देखो कितने तेज हो गए आजकल, निकाल देते हैं पहले ही। मैं क्वेश्चन के धुन में लगा रहता हूँ, बच्चे तो पहले ही निकाल देते हैं। वर्चुअल वाले बच्चे भी बहुत समझदार हो गए हैं। चलिए, 5750 इंटू में 3 महीने इंटू में 35, तो ये आ गया 603750। 5750 इंटू में 1 इंटू में 35, ये आ गया 20 12 50, 20 12 50। और डेटर में एक मिस्टेक, डेटर में कहता है कि जो भी डेटर बेचते हैं, अगर मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा था, कहता है जो भी सामान हम बेचेंगे ना 20% कैश होगा, तो ये तो पूरा डेटर है, तो इसका 80% हम लेंगे, 80%, क्योंकि 20% तो नगद है, तो 80% उधार होगा, तो ये आएगा 5750 इंटू में 35 इंटू में 80, 161। समझे? एक बार बताइए डेटर में, डेटर में कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट बताइए कि डेटर कैसे आया। सर, किसी को दिक्कत है डेटर में बताइए, क्योंकि कहता है जितना उधार भी बेचोगे तो आपको 20% तो मिल ही जाना है, तो हमें तो उधार का इंतजाम करना है ना, तो उधार कितना रहने वाला है? सर 80%, तो मैंने 80% निकाला ही है। बताइए कोई डाउट? नहीं है डाउट, नहीं है, बिल्कुल सही। 5750 इंटू में 2 इंटू में 25, 2875500। 5750 इंटू में 5, 2875750। 5750 इंटू में 0.5 इंटू 5, 14375। ये लो, अब निकाल लेते हैं टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लाइबिलिटी। 2875500 टू 500, 161, ये आ गया 122 4750। देखिए आप, 122 4750, 2875500 प्लस 2875750 प्लस 4375, ये आ गया 330625, 330625। वर्किंग कैपिटल क्या होगा? वर्किंग कैपिटल, कैपिटल सी ए, सी ए माइनस में सी एल, यानी ए माइनस बी, माइनस 122 4750, 894125। ये भी आपके सेमेस्टर नवंबर वाला, जो आपका नवंबर ये नॉर्मली अटेम्प्ट टू, और उसके अंदर आया हुआ है हमारा, कौन से टाइम में ये क्वेश्चन आया हुआ है? 2013 में, और इससे पहले वाला था 2000, दोनों क्वेश्चन 2013 में ही पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नोट करिए, आंसर आ गया है, बस मैं कुछ क्वेश्चंस और देख रहा हूं कराने वाला। फटाफट नोट करिए, 41 आएगा यहां, 41 25, वो माइनस, मैंने कैलकुलेटर से गलत नोट किया था, कैलकुलेटर में तो सही था। किसी को डाउट इसमें?
अरे वाह, डन। किसी को डाउट इसमें बताइए फटाफट, अगर नहीं है तो हम एग्जाम के क्वेश्चन उठाते हैं कुछ, नहीं है तो एग्जाम के क्वेश्चन। दो हजार सोलह नवंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 नवंबर में बीकॉम प्रोग्राम के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है का बी पार्ट, जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे। मिटा दिया जाए। ओ माय गॉड, आयशा ने भी बता दिया था जवाब। मिटा दिया जाए, बताइए। बिल्कुल सही जवाब आयशा, डन, नोट कर लिया। चलिए, जिसने नोट नहीं किया वो क्वेश्चन साइड में है, नोट कर ले। अभी बस मैं इसी चैप्टर के अंदर, कुछ बच्चों के पास मान लो 10 ईयर नहीं हुआ तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाकी आपके पास अगर 10 ईयर होगा तो बेस्ट रहेगा, मैं हर बार बोल रहा हूं। क्वेश्चन 4 का ये बी अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और ये बी पार्ट है, और ये आया हुआ है 2016, 2016 नवंबर, नवंबर में, ठीक है। कहता है रॉ मटेरियल 50 का है, रॉ मटेरियल 50, लेबर है, लेबर है 20, ओवरहेड इंक्लूड डेप्रिसिएशन, ओवरहेड कहता है हमारा जो है वो है 40, और इसमें जो डेप्रिसिएशन इंक्लूड है वो 10 रुपीज का है। प्रॉफिट हमारा जो टोटल कॉस्ट है आपका आ जाएगा 110, और यहां प्रॉफिट बोलता है हम कमाएंगे, तो देखो डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट का कोई रोल होता नहीं वैसे कैश वाले में, तो 130 ये एसपी हो गया। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। एवरेज रॉ मटेरियल, अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्या कहता है, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक फॉर 1 मंथ, एवरेज जो रॉ मटेरियल है स्टॉक में 1 मंथ के लिए है, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक जो है वो 1 मंथ, एवरेज मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस हाफ मंथ, तो WIP का जो टाइम है 1/2 मंथ, क्रेडिटर अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ, यानी क्रेडिटर 1 मंथ, एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट, लैग इन पेमेंट यानी एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट, वेजेस 10 डेज, वेजेस में जो रहेगा वो रहेगा 10 दिन, और ओवरहेड में 30 डेज, ओवरहेड में 30 डेज यानी 1 मंथ ही है ये, 25% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, तो कैश सेल्स है हमारा 25%, तो क्रेडिट सेल्स जिसके पैसे नहीं मिलेंगे वो कितने परसेंट है, 75%, वो तो निकाल ही लोगे आप। सेल्स कैश बेसिस, कैश बैलेंस एक्सपेक्टेड 1 लाख रुपीस, आपको क्वेश्चन में कैश बैलेंस भी दे रहा है यहाँ पे, और कैश बैलेंस है एक्सपेक्टेड 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख ही है ये। फिनिश गुड्स लाई इन द स्टॉक वेयर हाउस 1 मंथ, और एफजी के लिए जो बताया जा रहा है, एफजी के लिए भी 1 मंथ है। कितने नंबर का सर, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। आगे कहता है यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड, लेवल ऑफ इक्विटी 54,000 यूनिट आउटपुट, हम 54,000 बनाते हैं, प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन द इवनली थ्रू आउट द ईयर, वेजेस एंड ओवरहेड एक्रूली सिमिलरली,
द अजम्पशन इफ योर अजम्पशन इफ एनी क्लियरली, अगर कोई अजम्पशन है तो क्लियरली, तो अजम्पशन तो भाई एक ही होता है। बताओ प्यारे बच्चों अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन तो यही लेते हैं 50%, तो इसे लिख देंगे हम। तो मैं इसे हटा के आप भी करना स्टार्ट करें और मैं भी करता हूं, फिर मैच करना किसका आंसर ठीक है। आप भी करें, आपके सामने क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के सामने से एकदम हट जाऊंगा। मैं सही बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन के सामने से हट जाऊंगा, अभी रुको, बस मुझे इसे मिटाने दो, फिर आपके सामने से क्या क्वेश्चन के सामने से हर जगह से हट जाऊंगा। ये लो, मैंने कहा मुझे मिटाने दो, ये लो क्वेश्चन के सामने से हट गया मैं। ठीक है सर, हट गए आप, क्वेश्चन क्वेश्चन विजुअल है। हाँ सर, मैं भी करता हूं, आप भी करें। चलिए सबसे पहले पूरे साल का जो कंजम्पशन है वो मैं बता दूं आपको, पूरे साल का कंजम्पशन है हमारा वो है 54,000 यूनिट। यूनिट जो है वो है 54,000, और सारा काम आप देख तो वन मंथ का क्या आएगा, आएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12, तो 54,000 डिवाइडेड बाय 12 तो 4,500। सारा का सारा काम काज 4,500 से। चलिए रॉ मटेरियल जो होगा वो होगा 4,500, टाइम कितने महीने का था, वन मंथ का, तो मल्टीप्लाई वन। अमाउंट रेट कितने का था, 50 का, तो मैं तो 50 कर रहा हूं, आप भी करिए, आप मेरे वाला मत देखना। और WIP देखो क्या कहता था, हाफ मंथ, तो मैं मल्टीप्लाई 0.5 कर देता हूं इनटू में 50, 4500 इनटू में 0.5 इनटू में हमारा जो लेबर था, लेबर था 20, 4500 इनटू में 0.5 लेबर, जो हमारा लेबर ओवरहेड 10 रुपए, तो डेप्रिसिएशन ही है, तो 30 FG में 4500 इनटू में FG का टाइम जो दिया वन मंथ का, रेट निकाल लेते हैं, रॉ मटेरियल हमारा है 50 का, लेबर है हमारा 20 का, ओवरहेड जो कैश वाला है 30 का, तो 100 रुपीस, तो FG में 100, इसका भी 50% होना बाकी है। और डेटर 4,500 और हम देते हैं टाइम, डेटर 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 कहाँ लिखा डेटर, हम कितना उधार देते हैं, डेटर लिखा नहीं है, क्रेडिट सेल 75% 20%, डेटर का टाइम फैक्टर लिखा नहीं है, मैंने पढ़ देता हूँ एक बार। एवरेजली डेटर वन मंथ, जो डेटर का है वो वन मंथ है, आप लिख लें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे टॉप में क्वेश्चन के ऊपर, जो डेटर है वन मंथ का है, ठीक है, क्वेश्चन लिखना था लिख दिया, तो इनटू में वन, और इसका भी 100 ही रहेगा, और 75% होगा क्योंकि हमारा सेल्स ये है। रॉ मटेरियल की बात करते हैं, 4,500, और हमें उधार कितने दिन के लिए मिलेगा, क्रेडिटर 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 1 महीना, 1 इंटू में 50। वेजेस 4,500, और वेजेस के लिए कहता है 10 डेज, तो ध्यान दे, तो 10 डेज का मतलब 1 महीने में 30 डेज, तो 10/30 कर देंगे इसको, और कितने का है 20, ओवरहेड का 4,500, और ओवरहेड का टाइम कितना दिया है इसने, 30 डेज यानी 1 मंथ, 1 इंटू में 30। लो जी लो, सारा काम डन डना डन। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, जो बच्चे ने जिन जिसने कैलकुलेशन किया कृपया करके आप चैट में लिखिए, मैं लिखता जाऊंगा, कैलकुलेशन मैंने किया नहीं है, आप बताते जाइए। पहला कैलकुलेशन मैं स्टार्ट करता हूँ, श्री गणेश 50, 2,25,000, और इनफैक्ट यहाँ अमाउंट वगैरह तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद 4,500 इंटू में 0.5 इंटू में 50, 1,12,500,
1 लाख, मैं बाहर ही लिख रहा हूँ, यहाँ स्पेस मिलेगा नहीं, 1,12,500 ऐसे भी लिख सकते हो। 22,500, 22,500 33,750 4.5 लाख। और कैश का बैलेंस तो लिखा ही नहीं, कैश का बैलेंस एक्सपेक्टेड था हमारा 1 लाख, अभी फिर गलत हो जाता। थर्टी थ्री 75 लाइबिलिटी 50 2,25,000 4,500 डिवाइडेड 3 × 20 30,000 और 4,500 हट जाता हूँ, ये लो हट जाता हूँ भाई, हट जाता हूँ, 30 135 टोटल करंट लाइबिलिटी 22। अब नोट करिए, मैं वन ट्वेंटी एट 1,250 ठीक है, 390 390 माइनस 128 1,250 ये आ गया 89 1,250 89 1,250। अब कहता है कोई अजम्पशन है तो मानिए, नंबर वन पॉइंट नंबर वन अजम्पशन, वी अज्यूम दैट दैट डब्ल्यू आई पी वेजेस एंड लेबर एंड ओवरहेड 50% ऑन एवरेज बेसिस बेसिस। बाकी कुछ मैंने 10 ईयर में लिख ही दिया है, 10 ईयर में लिखा हुआ ही है आपके, तो वो देख सकते हैं आप, कुछ अजम्पशन दे रखा है किस तरीके से निकालेंगे, बस बाकी अजम्पशन एक ही है, नॉर्मली 50% ऑन द एवरेज बेसिस। करंट लाइबिलिटी का ओवरहेड बताना, करंट लाइबिलिटी का आपको ओवरहेड बताना है, करंट लाइबिलिटी का ओवरहेड 4,500, ओवरहेड का टाइम फैक्टर जो है 30 दिन है, 30 दिन इज इक्वल टू 1 मंथ, तो 4,500 इंटू में 1 और 30 रुपीज प्राइस है, कैसे ओवरहेड तो 40 है, 10 डेप्रिसिएशन है तो हम तो 30 ही लेंगे ना, डेप्रिसिएशन हटा के काम करते हैं, इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें देखा था हमने, हो गया डन। किसी का डाउट तो बताइए, किसी का डाउट तो बताइए, नहीं सेजल ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है आज का, किसने कहा लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी और करेंगे हम, फिर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है या नहीं, अभी तो एक क्वेश्चन और करने वाले हैं।
डन, नोट कर लिया। यस सर, नोटेड। चलिए, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और ये पूरा क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी पे होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं बस बैठ के यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ और इधर मैं लिख दूंगा, बाकी आपने ही लिखना होगा। मैं ये भी नहीं लिखूंगा, इनफेक्ट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये था क्वेश्चन नंबर, फाइव, और ये और में क्वेश्चन आया था, और फाइव का जो है ये बी पार्ट है, और वाले का बी पार्ट है। ईयर कौन सा था सर? ये बीकॉम प्रोग्राम में 2018 नवंबर, 2018 नवंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है सर। रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो है 100। डायरेक्ट लेबर यानी मैं सिर्फ लेबर ही लिख देता हूँ, लेबर 37 रुपए 50 पैसे, ओवरहेड 75 रुपए, ओवरहेड 75 रुपीस, टोटल कॉस्ट क्या करें, एग्जामिनर आसान कर देता है काम। टोटल कॉस्ट 212 रुपए 50 पैसे, यहीं तक का जरूरत है हमें। प्रॉफिट भी दे दिया ये लो, क्या करेंगे इस प्रॉफिट का, बार बार प्रॉफिट पे दे देता है वो, 37 रुपए 50 पैसे, टोटल हो गया 250 रुपए। और 250 रुपए क्या है? एसपी क्वेश्चन में दे रखा है। द कंपनी, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, द कंपनी कीप्स रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एवरेज 4 वीक। जो रॉ मटेरियल कंपनी रखेगी अपने पास, वो 4 वीक के लिए रखेगी, यानी सारा डेटा लगभग वीक में आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस एवरेज 1 वीक, WIP आपका रहेगा 1 वीक। फिनिश गुड्स स्टॉक 2 वीक, FG 2 वीक। सबसे तेज क्वेश्चन कौन करता है आज देखेंगे। द क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 3 वीक, क्रेडिटर यानी जो हमें देगा वो 3 वीक। आगे कहता है क्रेडिट अलाउड टू द डेटर, ओ माई गॉड, हमें मिला 3 हफ्ते, हम दे रहे हैं 4 हफ्ते, 4 वीक। द लैग पेमेंट 1 वीक वेजेस में, तो वेजेस को जो हम पेमेंट करेंगे वो करेंगे 1 वीक। ओवरहेड एक्सपेंस का 2 वीक, ओवरहेड एक्सपेंस का 2 वीक बाद हम पेमेंट देंगे। द कंपनी सेल 1/5 इज आउटपुट अगेंस्ट कैश। अब देखो, कंपनी ने कहा कि जो हम सेल्स करेंगे ना, 1/5 कैश में करेंगे। तो 1/5 का मतलब पता है क्या होता है? इज इक्वल टू, मैं अगर 1/5 को बोलूं तो इज इक्वल टू, ये होता है नॉर्मली 20%। तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स जो होगा वो तो मैं लिख रहा हूं 80%, क्रेडिट सेल्स जो होगा वो होगा 80%। ओके सर। द कंपनी सेल 1/5 आउटपुट अगेंस्ट कैश, मेंटेन द कैश इन हैंड आउटपुट बैंक बैलेंस 37,500। जो हम मेंटेन कर रहे हैं कैश का बैलेंस वो है 37,500, 37,500। यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल नीड टू बी फाइनेंस एंड एक्टिविटी लेवल 130 यूनिट। और एग्जामिनर ने कहा जो हमारा यूनिट होता है पूरे साल का 130, 1,30,000, तो ये सब तो हटा ही देते हैं, ये सब हटा देते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को अंदर भी मिटा दूंगा मैं यहां से। प्रोडक्शन, अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड इवनली थ्रू आउट द ईयर, ओवरहेड एंड द वेजेस एक्रू सिमिलरली, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इज 80% कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट।
कहता है वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर सारे के सारे पॉइंट 80% मान ले। एक ये नई पॉइंट, न्यू पॉइंट इसने बता दिया कि वर्क इन प्रोग्रेस में सब कुछ 80% मान लो। है सर, रॉ मटेरियल भी 80%, लेबर भी 80%, ओवरहेड भी 80%, बट सर मटेरियल तो पूरा लग जाता है। अब क्या करें, एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि 80% मानो, तो मान लो ना। आप जिद बहस क्यों करते हो? अगर आप जिद करोगे तो एग्जामिनर मार्क्स ही नहीं देगा वो। ठीक है सर, यानी जो एग्जामिनर बोले वही करना है? हाँ, जो एग्जामिनर आपको बोले वही करना है, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। चलिए चलिए चलिए, आपको पूरा आंसर निकालना है, आपको पूरा आंसर निकालना है, और मुझे उम्मीद है आप एकदम 100% करेक्ट आंसर निकाल दोगे इतने क्वेश्चन करने के बाद। अब इसमें सारा वीक में है, तो वीक 52 का यूनिट निकाल लेंगे। 130 डिवाइडेड बाय 52, 2500। तो एक हफ्ते में 2500 यूनिट लगेंगे, इसी के हिसाब से सारा होगा। 2500 रॉ मटेरियल 4 इंटू में 100, 2500 WIP में 1 इंटू में 100, 2500। जब सारा का सारा 80% है, शॉर्टकट भी कर सकते हैं, बट रहने दीजिए, वो आप निकाल लीजिएगा शॉर्टकट। WIP लेबर 37.5 इंटू, बाद में देखेंगे, 2500 इंटू 1 इंटू 75, कोई डेप्रिसिएशन का चक्कर नहीं है। इन सभी को, जितने भी हैं, इन सभी को मुझे क्या करना है, 80% मैं बाहर लिख दूंगा, 80% सबको करके। एफ जी 2500 मल्टीप्लाई, एफ जी का क्या है, 2 हफ्ते इंटू में 2, और टोटल कॉस्ट क्या है, 212 रुपये, 212 रुपये 50 पैसे। डेटर का क्या है भाई, डेटर 4 हफ्ते, तो 2500 इंटू में 4 इंटू में 212 50, और ये कितने परसेंट, 80%, क्योंकि यहाँ 80% क्रेडिट सेल्स है। कैश अपने आप इसने बता दिया 37,500। रॉ मटेरियल ये कितना आएगा, 2500 मल्टीप्लाई क्रेडिटर कितने का, 3 हफ्ते का, 3 इंटू में 100। वेजेस 2500 यूनिट पे वेजेस, और वेजेस हमारा लैग कितना है, कहता है भाई वेजेस का एक हफ्ता है, 1 इंटू में वेजेस है कितने का, 37 रुपये 50 पैसे। ओवरहेड 2500, और ये कहता है ओवरहेड रहेंगे 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते इंटू में 75। डन। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अमाउंट आपको, वर्किंग कैपिटल आपको बताना है, बस मैं लिख दूंगा, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखते हैं कितने बच्चे सही निकालते हैं, फिर मैच करना है इसको। क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ है, सेजल जो क्रेडिटर है वो रॉ मटेरियल का ही लाइबिलिटी में क्रेडिटर ही तो है, जो हमने लाइबिलिटी में लिखा है वो क्रेडिटर ही है। जिसको विजुअल में दिक्कत है, थोड़ा मैंने जूम कर दिया,
देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। सेजल का जवाब आ गया, करंट एसेट्स 42,25,000, करंट लाइबिलिटी 12,18,750, वर्किंग कैपिटल 3,62,50, सॉरी 30,62,50। देखें आपका आंसर ठीक है या गलत है। एकदम सही, सेजल ने एकदम सही जवाब दिया। और आयशा आपका वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा गलत है, गलत है। अभी देखिए सेजल, आप मुझे बताते जाइए ये कितने अमाउंट आए, फटाफट बताइए ताकि मैं लिख पाऊं। फटाफट बताइए सेजल, ये कितने का अमाउंट आया? 10,00,000। ओके 10,00,000। अगला भी बताते जाना, मैं फटाफट लिख देता हूं। 10 के बाद इन सभी का टोटल करके करा है आपने, साढ़े 7,00,000 और 1,50,000। समझ में नहीं आया 1,50,000 किसका है सीजल? मुझे इन सभी का बताइए, मैं यहां यहां बताइए इसका क्या आया, इसका क्या आया, इसका फिर टोटल करके बाहर लिखूंगा, इसका बताओ क्या आया। तो सर इसका तो आएगा 25, 80% भी करना है शायद, 17,00,000। ओके अलग अलग बता दिया, चलिए कोई नहीं, 100 इंटू 80%, 2,00,000 और 2,500 इंटू 37.5, 75,000। चार लाख 25,000। FG क्या आया और डेटर क्या आया? FG आया 106 106, FG जो है 106 2500 2500।
ओहो डेटर पे लिख दिया 62500, डेटर बताइए, डेटर WIP लिख दिया, ठीक है, वेरी वेरी गुड, मैं समझ नहीं पाया था, डेटर 17 लाख, डेटर 17 लाख, और इन्होंने बताया था टोटल जो करंट एसेट्स होगा वो करंट एसेट्स होगा हमारा, करंट लाइबिलिटी 75,000, 7.5 लाख, 7.5 लाख, 7.5 लाख, बिल्कुल सही जवाब, सारा पॉइंट टू पॉइंट बता दिया इन्होंने, 93,750, 93,750, 37500, ये आ गया, और ये आ गया, ये आ गया 42, 42,25,000, 42,25,000, और ये क्या 12,18,750, 50 माइनस करके 300, 6,250, ये लीजिए हमने कर लिया क्वेश्चन। सर करंट लाइबिलिटी में रॉ मटेरियल का टाइम 4 वीक है, यस रॉ मटेरियल का करंट लाइबिलिटी में 4 वीक है, नहीं देखो करंट लाइबिलिटी में 3 वीक लिखा है मैंने, देखिए 3 वीक ही लिखा है, डन, नोट कर लिया आपने तो कर ही लिया, ओके डन। और देखिए कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए हमें, टू थाउजेंड एटीन, 2018 में जो आया था, वेरी वेरी सिंपल, नोट कर लिया आपने,